दोस्तों आज हमारा जो एसटीबीटी का कॉल था, एसटीबीटी का पोजीशन पे 60 रुपीज के आसपास हम प्रॉफिट बुक किए हैं, तो ये लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट जोन पे गया है और अभी तक हमारी इंट्राडे के लिए कोई भी एंट्री नहीं आया है। देखिए, हम बेसिकली 12 बजे तक वेट करते हैं। अगर 12 बजे के अंदर हमको एंट्री मिलता है तो हम हमारी पोजिशन बनाते हैं, अगर 12 बजे के अंदर एंट्री नहीं आता है तो उस दिन हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो बेसिकली आज 14,750 के ऊपर हम स्ट्रैटल बनाने वाले थे, लेकिन अभी तक हमको एंट्री नहीं मिला है। और देखिए, टाइमिंग अगर आप देखोगे अराउंड 12 o'clock के आसपास हो चुका है। इसीलिए दोस्तों हम आज कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, मतलब इंट्राडे पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 320 के आसपास फिर एसटीबीटी के ऊपर पोजीशन बनाएंगे और एक बार मार्केट बंद हो जाए उसके बाद आज का मार्केट का मूवमेंट टोटली कैसे था हम टेक्निकल एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और जो एसटीबीटी का पोजीशन हमको लेना था, हम 15,050 का कॉल एंड 14,450 का पुट के ऊपर हमारी पोजीशन बनाया है। तो देखिए, 375 क्वांटिटी मैंने इस साइड लिया हूँ, तो कल सुबह सुबह 9:15 to 9:16 के अंदर मैंने ये पोजीशन को एग्जिट करूंगा। तो देखिए, कल जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेजर चांस रहेगा कल हमको एक डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार आज का मार्केट का मोमेंट कैसा था एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके डिटेल्स पे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का 3 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और ये 3 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखिए, फास्ट 3 मिनट के अंदर जो ये कैंडल बना था ये काफी बड़ा बाइंग का कॉन्फर्मेशन हमको दिया था। तो एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया था और ये हैमर पैटर्न फॉर्म करने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाने लगा। देखिए, लगभग 14,700 लेवल से लेकर ये लेवल जो था 14,700 का लेवल था, तो 14,700 लेवल से काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ आया जो कि 14,800 लेवल के आसपास। ये लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा ये लेवल के आसपास रिट्रेस देखने के लिए मिला। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से देखोगे ये लगभग 38% के आसपास ये रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद इसी लेवल से देखिए 14,770 या 14,780 ये लेवल से फिर और 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया जो कि 14,850 रेंज के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली 14,850 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का लेवल है और ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद देखिए आज दिन भर इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, मार्केट 3 बार ट्राई किया था ये लेवल के आसपास, देखिए ट्राई किया था क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए, फिर ये लेवल के आसपास और एक बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, और ये थर्ड टाइम मार्केट ये लेवल के आसपास ट्राई कर रहा था लेकिन इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो बेसिकली ये लेवल को अगर आप देखोगे एक ट्रिपल टॉप का लेवल फॉर्म किया, ट्रिपल टॉप का लेवल फॉर्म करने के बाद मार्केट 14,800 रेंज के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए, अभी भी मार्केट 14,800 से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है जो कि एक बुलिश का साइन दिखा रहा है। तो देखिए, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है। स्पिनिंग टॉप मतलब इसका दोनों साइड जो टेल रहता है दोनों साइड टेल सेम रहेगा, एक रेंज के अंदर मार्केट मूवमेंट देके एक रेंज के अंदर ये क्लोजिंग देने वाला है। तो मेजर चांस रहता है इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सपायरी के दिन फॉर्म करता है तो मार्केट कल एक जिगजैग वे पे मूव करने वाला है। तो 14,800 से लेकर 14,900 जो रेंज रहेगा इसी रेंज को हमको देखना पड़ेगा। मेजर अगर मार्केट पे करेक्शन आता है तो ये 14,750 से लेकर 14,900 14,950 रेंज के आसपास ये 200-250 पॉइंट रेंज के अंदर कल मार्केट मूवमेंट देने वाला है। और देखिए दोस्तों, ये लेवल पे मैंने मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करके रखा है और आज सुबह से एक बाइंग का मोमेंटम दिखा रहा था, ये 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ये थोड़ा सा ये लेवल के आसपास करेक्शन दिया था लेकिन ये 20 EMA के आसपास ये सपोर्ट लेके इसी लेवल से फिर देखिए दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे 10-20 रेंज के आसपास ये पूरा 1 o'clock के आसपास ये देखिए ट्रेड कर रहा था लेकिन ये लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया और ये करेक्शन आने के बाद भी मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करने लगा और इसी रेंज के अंदर ये क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों आज अगर आप देखोगे मार्केट पे एक बुलिश का मोमेंटम देखने के लिए मिला लेकिन फर्स्ट हाफ एक बुलिश मोमेंट दिखाया, उसके बाद सेकेंड हाफ पे एक जिगजैग मोमेंट देके एक साइडवाइज मोमेंटम दिखा के मार्केट क्लोजिंग दिया है।